मुझे स्टडी गेम करते हुए लगभग 21-22 साल हो गए। अभी का वर्क और तभी के वर्क में काफ़ी अंतर है। अब इक्विपमेंट्स हमारे पास नए नए एडवांस में आते रहते हैं। आपके पास रिमोट फोकस है, उसके बाद आपके पास AR आ गया, उसके बाद 1080 आ गया, तो बहुत सारे स्टडी गेम में एडवांस में टेक्नोलॉजी भी आती जा रही है। तो लेकिन बेसिक जो है वो स्टडी गेम वही है। प्रैक्टिकल में और थ्योरिकली दो चीज़ें होती ना तो काफ़ी अंतर होता है, क्योंकि प्रैक्टिकली हम लोग कुछ बहुत सारी चीज़ें अच्छा कर लेते हैं लेकिन थ्योरी पता नहीं होती हमें बेसिकली ना, उसका रीज़न पता नहीं होता कि ये क्या क्यों। तो उसके लिए इंस्टीट्यूट हमें गाइड करता है कि भाई कि आपके साथ प्रैक्टिकल के साथ साथ आपको थ्योरी भी होनी चाहिए। प्रैक्टिकल करेगा तो उसको थ्योरी समझ में आएगी कि बेसिकली जो मैं कर रहा हूँ ये क्यों कर रहा हूँ। जब इंस्टीट्यूट में आएगा तभी पता लगेगा। तो थ्योरिकली भी आपको बहुत ज़रूरी होता है कि उसके लिए इंस्टीट्यूट बहुत आपको जो है हेल्प करता है। पहली बात तो आपके पास जुनून होना चाहिए कि भाई मुझे DOP बनना है। DOP मतलब इतना आसान काम नहीं होता कि भाई कि आपने जस्ट सोच लिया और बन गया, ऐसा तो नहीं हो सकता है। प्रैक्टिकल भी करना पड़ेगा, उसके लिए आपको थ्योरी भी करनी पड़ेगी, उसके साथ साथ आपको किसी का गाइडेंस भी उसके साथ में आपको लेना पड़ेगा। कोई इंस्टीट्यूट में अगर आप आते हो तो आपको अपना दिमाग जो है वो शार्प लेके आना पड़ेगा कि मुझे DOP ही करना है। तो बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो सोचे कि मुझे DOP बनना है, तो वो उसमें अपना प्रॉपरली पूरा 100% दे। तो बच्चे इंस्टीट्यूट में आने के बाद उसका आपको पता लगता है कि भाई कि बच्चा बेसिकली इसका बेसिक क्या है, DOP की तरफ है या साउंड की तरफ है या आपके डायरेक्शन की तरफ है। उसको गाइडेंस करने में इंस्टीट्यूट का बहुत बड़ा हाथ होता है। तो वो बच्चा वहाँ से फिर आगे जाकर के वो अपने लाइन पर जा सकता है।